हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोकोनट बर्फी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है। इस तरह हार्ड वाला पोर्शन उतारना है। फिर इसे छोटे छोटे पीसेस कर इस तरह मिक्सर में पीसना है। बारीक, पानी नहीं डालना है। फिर एक प्यानी लीजिए, उसमें 3 बड़े चम्मच घी डालिए। फिर घी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। फिर बाद में ये पिसा हुआ कोकोनट डालिए। मैंने 3 कोकोनट लिया है। अच्छे से धीमे आंच पे 3-4 मिनट फ्राई करना है, कच्चा बन जाए इसे। फिर मैंने फ्रेश 1 लीटर दूध लिया है, पैकेट का फुल क्रीम वाला। कोकोनट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं दूध। मैंने 1 लीटर लिया है। फिर अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। ड्राई होने तक धीमे आंच पे पकाइए। इस तरह पकेंगे। इस तरह पूरा ड्राई होने दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बीच बीच में मिक्स करना है। फिर मैंने 1.5 कप शुगर लिया है। आप मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे भी पूरा ड्राई होने के बाद शुगर पूरा मेल्ट हो के, फिर बाद में थाली में 1 चम्मच घी डालकर फिर अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। अभी ये मिश्रण को पूरा डालकर थाली में डाल दीजिए। फिर अच्छे से प्रेस कर दीजिए। मैंने इसमें इलायची भी डाला है, वो स्किप हुआ है। आप फ्लेवर के लिए इलायची भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए पूरा। फिर ऊपर से कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, मनचाहे ड्राई फ्रूट्स। अभी से ठंडा होने के लिए रख दीजिए 1-2 घंटे। ये अपना अपना ठंडा हो चुका है। अभी इसे पीसेस में कट कर दीजिए। देखो अपना बर्फी बन चुकी है। अभी खाने में स्वादिष्ट है। आप जरूर ट्राई कीजिए।